एसए 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। पहले ये देखते हैं कि मिसस्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम और अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या होना चाहिए अमाउंट और हमने क्या दिखाया अपने बैलेंस शीट में। से हमने स्टॉक अपने बैलेंस शीट में 30 लाख पे वैल्यू किया है, बट एज इफ वी गो अकॉर्डिंग टू AS2 हमें 32 लाख दिखाना चाहिए, तो मिसस्टेटमेंट कितना होगा 2 लाख, 30 लाख माइनस 32 लाख। ठीक है, ये डिफरेंस क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, डिस्क्लोजर में भी हो सकता है। ठीक है, अभी पहले ये बाकी सब देखने से पहले हम ये चार्ट देखते हैं। पहले तो हम मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हमें क्या देखना है, क्या ये क्लियरली ट्राइबल है, यानी छोटा मिस्टेक। फॉर एग्जांपल से 10 रुपीज का मिस्टेक है तो हमें उसको अक्यूमुलेट नहीं करना है। हम ऑडिट पे जाते हैं जब भी तो हमें ऐसी मिस्टेक्स मिलते हैं जो 10-20 रुपए के हो, तो वी डू नॉट राइट इट ऑन क्वेरी शीट। ठीक है, अगर वो क्लियरली ट्राइबल नहीं है यानी कि बड़ा अमाउंट है तो हमें एक्यूमुलेट करना है और मैनेजमेंट को बोलना है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट एग्री करता है करेक्ट करने के लिए तो एक बार मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया उसके बाद हमें चेक करना है क्या अभी भी मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तो उनसे रीजंस मांगो कि वो क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं करेक्ट करने के लिए। अभी पूरा स्टैंडर्ड देखते हैं, रिक्वायरमेंट। पहला रिक्वायरमेंट वही है, क्लियरली ट्राइबल है तो कलेक्ट अक्यूमुलेट मत करो, क्लियरली ट्राइबल नहीं है तो अक्यूमुलेट करो। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ ये डिटरमाइन वेदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अनाउंड, ये फर्स्ट पॉइंट है, पूरा रीड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जो ब्रैकेट है वो रीड करते हैं। अगर जो हमें आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है और प्रोजेक्टेड है, फॉर एग्जांपल से सैम्पलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आइडेंटिफाइड प्लस प्रोजेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है तो हमें अपना ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान रिवाइज करना है। और दूसरा क्या है, अगर एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट जो हमने मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेट किए वो मटेरियलिटी लेवल क्रॉस करता है तो हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान रिवाइज करना है। दो केस में हमें ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी रिवाइज करना है, एक आइडेंटिफाइड प्लस प्रोजेक्टेड मटेरियल है या दूसरा जो अक्यूमुलेटेड है वो ही जितना अक्यूमुलेटेड है वो ही मटेरियलिटी लेवल क्रॉस कर रहा है। ये हमने देखा पहले, इफ एट में ऑडिटर्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एग्जामिन्ड एंड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो हमें चेक करना है कि मिसस्टेटमेंट रिमेन अभी भी मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। कम्युनिकेट एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे सब मिसस्टेटमेंट जो अक्यूमुलेट किए वो कम्युनिकेट करने हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट करना है करेक्ट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो रीजंस क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है वो मांगना है मैनेजमेंट से। Evaluating the effect of uncorrected misstatement. Prior to evaluating the effect of uncorrected misstatement, reassess materiality. हमें अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट इवेल्यूएट करने से पहले ये देखना है कि जो हमने मटेरियलिटी लेवल ऐसे 320 के हिसाब से सेट किया था क्या उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या। ठीक है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटीरियल। ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितना बड़ा है मिसस्टेटमेंट, कौन से नेचर का है, क्या रिपीटेटिव नेचर का है, और क्या देखना है, सरकमस्टेंसेस, क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस है कि ये मिसस्टेटमेंट बार बार हो सकता है, ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, हो सकता है मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड से रिलेटेड हो तो हमें इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स वो भी देखना है। फिर से देखते हैं ये, इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट।
इवेल्यूएट करने से पहले हमें मटेरियलिटी लेवल देखना है, क्या अभी भी मटेरियलिटी लेवल उतना ही है, ठीक है। अभी डिटरमाइन करने के लिए कि मटेरियल है कि नहीं, हमें साइज देखना है मिसस्टेटमेंट का, नेचर देखना है मिसस्टेटमेंट का, और कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑकर हुआ है, और ये प्रायर पीरियड के रिलेटेड है। अभी हमें क्या करना है एंड में, कम्युनिकेट करना है टॉप मैनेजमेंट को, क्या कम्युनिकेट करना है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करना है, और उसका इफेक्ट कम्युनिकेट करना है जो ऑडिटर के ओपिनियन पे आएगा। क्या कम्युनिकेट करना है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और उसका इफेक्ट ओपिनियन पे जो आएगा। ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो हमें इंडिविजुअली कम्युनिकेट करने हैं, एक साथ नहीं करना है, हर एक मिसस्टेटमेंट अलग अलग से ECWG को समझाना है टॉप मैनेजमेंट को कि हर एक का इफेक्ट क्या है ओपिनियन पे। रिक्वेस्ट करो उनको करेक्ट करने के लिए, और ये एंड में लिखा है कि प्रायर पीरियड के रिलेटेड जो है वो भी कम्युनिकेट करो, ठीक है। अभी वो जो हमने डेफिनेशंस स्किप किए थे वो देखते हैं। यहाँ पे ओपिनियन में दो चीजें हैं, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मेरे को कई बार मेरे जो फ्रेंड्स है वो ये डाउट पूछते हैं, आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड फर्क क्या है आखिर, तो हम ये देखते हैं पहले। अनकरेक्टेड किसी भी मिसस्टेटमेंट को अनकरेक्टेड होने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो वो मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा नॉट करेक्टेड होना चाहिए, तीसरा अक्यूमुलेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा पहले तो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होता है, अगर वो क्लियरली ट्राइबल है तो वो अक्यूमुलेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सारे मिसस्टेटमेंट्स है सारे आइडेंटिफाइड होते हैं, बट जो क्लियरली ट्राइबल है वो हम अक्यूमुलेट करते ही नहीं है, ठीक है। हमें ये कहाँ से पता चलता है कि ये क्लियरली ट्राइबल है, जब हम इफेक्ट देखते हैं उसका, यानी कि जो हमें मिसस्टेटमेंट मिला 10 रुपीज़ का मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, उसका हमने इफेक्ट देखा कि मटेरियल नहीं है वो, ठीक है, ऑडिट पे मटेरियल नहीं है उसका, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट स्टेप जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, मिसस्टेटमेंट ट्राइबल है क्या नहीं है तो अक्यूमुलेट करो, है मिसस्टेटमेंट ट्राइबल तो अक्यूमुलेट ही नहीं करते, ठीक है। ये डिफरेंस है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में और आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में। किसी भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को अनकरेक्टेड बोलने के लिए हमें पहले उसे अक्यूमुलेट करना है, और अक्यूमुलेट हम तभी करते हैं जब वो क्लियरली ट्राइबल नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड पूरा हम क्विकली रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड SA 450 वैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। मिसस्टेटमेंट क्या होता है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट डिस्क्लोज किया है, हमने एग्जाम्पल लिया स्टॉक का 30 लैक्स, एज पर AS2 होना चाहिए 32 लैक्स वैल्यूएशन, तो मिसस्टेटमेंट क्या है 30 लैक्स माइनस 32 लैक्स 2 लैक्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है, हमने क्लासिफिकेशन किसी का भी एक लिया और एज पर स्टैंडर्ड वो दूसरे किसी क्लासिफिकेशन में होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी मिसस्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम ये पहले चार्ट देखते हैं, मिसस्टेटमेंट पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं वो ट्राइबल है क्या, अगर ट्राइबल है तो उसे एक्यूमुलेट नहीं करो, और ट्राइबल नहीं है तो अक्यूमुलेट करो, और मैनेजमेंट को बोलो करेक्ट करने के लिए, अगर मैनेजमेंट करेक्ट करता है तो वो चेक करो क्या अभी भी इफेक्ट है उसका, और मैनेजमेंट नहीं करेक्ट करता है तो उनसे रीज़न मांगो, ठीक है। ये हमने देखा अगर क्लियरली ट्राइबल है तो हम अक्यूमुलेट नहीं करते हैं मिसस्टेटमेंट, अगर क्लियरली ट्राइबल है तो। अच्छा, अभी ये है कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, हमें ये देखना है कि जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है और जो प्रोजेक्टेड है वो मिला के मटेरियलिटी लेवल क्रॉस करते हैं क्या, ये कौन से केस में होता है, जब हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तब ये एप्लीकेबल होता है ए, ठीक है। बी में क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेटेड अप्रोच मटेरियलिटी लेवल, जो हमने मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेट किए अदर देन जो ट्राइबल थे, बाकी सब हमने अक्यूमुलेट किए, वो अगर मटेरियलिटी लेवल रीच करते हैं तो। ये दोनों में से कुछ भी होता है ए और बी में से, तो हमें ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान रिवाइज करना है। सेकंड लिखा है ऑडिटर को
ये तो हमने देखा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है करेक्ट करने के लिए, और एक बार मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया उसके बाद हमें देखना है कि अभी भी मिसस्टेटमेंट है क्या। कम्युनिकेट एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, टाइमली बेसिस पे ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है और रिक्वेस्ट करना है करेक्ट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो रीज़न मांगो। इवेल्यूएटिंग द इफेक्ट, इफेक्ट इवेल्यूएट करने से पहले हमें अपना मटेरियलिटी लेवल रीअसेस करना है, ठीक है। अब इफेक्ट इवेल्यूएट करने वक्त हमें क्या क्या देखना है, वो मिसस्टेटमेंट का साइज़ क्या है, कौन से नेचर का है मिसस्टेटमेंट, कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑकर हुआ है और प्रायर पीरियड के रिलेटेड है तो उसका भी इफेक्ट देखना है। ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है, TCWG को क्या क्या कम्युनिकेट करना है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है उसका इफेक्ट, और इंडिविजुअल बेसिस पे कम्युनिकेट करना है और रिक्वेस्ट करना है कि उन्हें करेक्ट करें, ठीक है। और प्रायर पीरियड के रिलेटेड भी कम्युनिकेट करना है। ये PDF मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो येल्लो पार्ट है सिर्फ आपको वही रीड करना है।